वेलकम टू हैप्पी टाइम्स विद किड जोन। हम आपके लिए हमेशा की तरह दो इंटरेस्टिंग सेक्शंस लेके आए हैं। इस बार फर्स्ट सेक्शन है पजल गेम और सेकंड सेक्शन है फैन फोल्डिंग। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस डू आवर पजल। अब ये हमारा ड्रैगन है। इस ड्रैगन का यहाँ पे बेबी है। इसको इस कासल पे जल्दी से पहुंचना है। आप प्लीज इसकी हेल्प करो ये बताने में कि कौन सा रास्ता है जो इसको ठीक से कासल पे पहुंचाएगा अपने बेबी के पास। सो आपको मिलते हैं 5 seconds। तो आप बताओ आप हेल्प कर पाओगे हमारे प्यारे से क्रीचर की? इसको जल्दी से अपने बेबी के पास पहुंचना है। देखें ये पहुंचा या नहीं पहुंचा। अरे वाओ, ये तो बिल्कुल ठीक से पहुंच गया। इसने ये पिंक डॉट वाला रास्ता लिया और कासल पे पहुंच के अपने बेबी को जोरों से हग करा। अगर ये दूसरे वाला रास्ता लेता तो वापस यही आके खड़ा हो जाता। तो आप सबने जो हेल्प करी बेबी तक पहुंचने की, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ये आपको कह रहा है थैंक यू। तो चलो अब चलते हैं अपने सेकंड सेक्शन की तरफ जो है फैन फोल्डिंग। तो पेपर फोल्डिंग में आज हम करेंगे सबसे इजी फैन फोल्डिंग। ये देखिए, ये है ग्रीन लैमिनेटेड ग्लेज्ड शीट। इसको हम फैन की तरह फोल्ड करेंगे। ये देखिए, जब ये पूरा पेपर फोल्ड हो जाएगा तो ये कैसा लगने वाला है। हाँ, ऐसे प्रेस करेंगे और ये पूरा पेपर जब हो जाएगा तब ये देखिए कैसा लगने वाला है। इसको फैन फोल्डिंग कहते हैं। अब इससे हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया ओवर। अब हम नीचे की साइड 1 inch छोड़ के, ये देखो ऐसे 1-1.5 inch छोड़ के एक लगा देंगे स्टेपलर। अब इसको एक साइड में रख लेते हैं। मैंने छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस लिए जो इस ग्रीन के साथ अच्छे लगेंगे, ऑरेंज, येलो और पिंक। अब देखो इनसे क्या करेंगे, इनको फोल्ड करेंगे। लुक इट केयरफुली, ऐसे फोल्ड करा, फिर एक बार और फोल्ड करा और ये बन गया क्यूट सा फ्लावर। अब फटाफट ऑरेंज और पिंक पेपर का भी देखो कैसे बनेगा। अब हम क्या करने वाले हैं, ग्लू की हेल्प से, ये देखो मैंने ग्लू ली, ग्लू की हेल्प से इन फ्लावर्स के बैक साइड पे बहुत थोड़ा सा ग्लू लगाया और इस ग्रीन फोल्डेड एरिया में ये मैंने प्रेस कर दिया। 2-3 और फ्लावर्स भी हैं। ये आया पिंक फ्लावर। एक और सोच रहे हैं कि पिंक फ्लावर लगा देते हैं। अब मेरे पास दिवाली का एक गोल्डन स्टार रखा था, ये देखो इस पे मैंने फेविकॉल लगाई और यहाँ पेस्ट कर दिया। ये मैंने पिंक पेपर का एक छोटा सा पीस काटा और इसको मैं अभी बताऊंगी कैसे रोल बनाया और इसको पेस्ट कर दिया। ये बन गया ना हमारा प्यारा सा बुके। अब ये देखो पिंक वाला मैंने कैसे बनाया था, एक थिन बहुत पतली पट्टी को एक पेंसिल के ऊपर रोल करा तो हल्का सा वो कर्व हो गया। ये देखिए, एक और मैंने आपके लिए ऐसा रेडी करके रखा है। बन गया ना ब्यूटीफुल बुके। आप
सब भी फटाफट रेडी करिए इसको। तो अब आप बताओ, आपको ड्रैगन वाली एक्टिविटी और फैन फोल्डिंग वाली एक्टिविटी कैसी लगी? हमारा ये वाला एपिसोड आप अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक एंड शेयर करो, और आपकी अपनी चैनल है ये, इसको सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट टाइम फिर से हम आपके लिए इंटरेस्टिंग सेक्शंस लेकर आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।